अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? तो मेरा पहला ही व्लॉग है घर के अंदर। मतलब ये देखो कितना मस्त वुडन का घर बना हुआ है। मेरा नहीं है, तो मेरी बहन का है। तो इंशाल्लाह आपका साथ रहा तो मेरा घर भी बनेगा, अच्छा बनेगा। अभी फ़िलहाल नहीं है, इतना अच्छा नहीं है मेरा घर। तो मैं आया हूँ गादी गार्डन। यहाँ की कुछ खास खास चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी हम बाहर निकलेंगे, पहले तो मुझे लगता है अभी मेरी ब्रेकफास्ट का हो गया, तो सबसे पहले खेत में जाते हैं, मक्खियाँ लेके आते हैं, तो आगे का फिर बताता हूँ मैं। ये अखरोट है, चलो इनको बाद में देखेंगे, पहले मक्खी लाने जाते हैं। हमको पता नहीं हमारी बहन का खेत की तरह ये छोकरा हमको पहुंचाएगा वहां पे आराम से। बाबा आराम से, यूजो ग्रेटी ऑन। ये इनका ग्राहट है, पहले मतलब पूरा बहुत पुराना बना था, अभी ये नए से बना रहे हैं। पहले मक्की ले आते हैं, बाद में इसको भी देखेंगे। है ये ब्रोच है कच्चे? हाँ हाँ सब्जी, ये सब्जी कहाँ से है? अच्छा ये इनके खेत में पहुँच गए। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको अगर ये कोई शुदर, हाँ ये अगर लग जाएगी तो इससे बहुत खारिश ऐसी होती है। कशन चाहिए एम सी दी, ये अगर लगी तो गई कुछ जोश कौन। हाँ कश मैं खड़ा हुआ यस, में जबरदस्त है कोई लोयल एचेस। ये कौन चार्ज ये बोल दिया मकई कहीं पर खड़ा हुआ, यदि फड़ाओ योर योर से सही वाला। इसको हम, ये सूख गई है, इसको नहीं तोड़ेंगे अभी। हाँ ये फड़ाओ ना, ये बोली तोड़ेंगे राइट। हाँ किए दिखावा सुन, अभी हम कितने सालों से भुक्कड़ हैं, तो एक मौके से काम तो नहीं चलेगा, और ढूंढेंगे दूसरी। मुझे लगता है ये वाली भी ठीक है, ये फड़ाओ ना या तो फैल से आने का। आए हाय क्या बात, इस बार बहुत काम जगह पे मक्खियाँ बनी है। हम खुशकिस्मत हैं जहाँ मक्की खाने को मिल रही है और खुद खेत से तोड़ के खा रहे हैं। देखो ये फड़ा हो ना या फिर, ओहो हो गई तीन। आह तोड़ दी तोड़ दी, बड़ी मेहनत लगती है तोड़ने में। आग भी है या मगर यचिन शायद फैल बर्ड से, मगर फैल चिन से आने वाले। जरा खोले तू, चुन हम खोल के देखेंगे जरा। अरे यार दाने तो हैं लेकिन खराब जैसे लग रही मुझे। ऊपर से थोड़ी खराब है चली गई। ये हमारा मक्खियों का काम हो गया। अच्छा बहुत नहीं नहीं पक वही बुजो बिंज देती ना, मक्खियाँ तो होगी। अभी अखरोट वहाँ पड़े हुए थे, लेकिन बिना छिलके उतारे हुए होंगे तो मुझे तोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। बारों के पेड़ है तो उधर कौन पहुँचेगा, इसलिए अगर छिलके छिलके वाले यहाँ पे नहीं होंगे तो हम वही खाएंगे। अंदर तक आओ से वापस में आओ से हुए जमी मक्खियाँ भेज दी, अब तक इनको बुन के रखेंगे। ये आ गई हम घाट में, वाह। तो यहाँ ऊपर से इसमें पानी आता है, यहाँ कभी तैयार ही नहीं होता। मैंने सोचा इसमें चरखा लगा होगा, लेकिन अभी वो चरखा जैसे नहीं लगा है। जब लग जाएगा तो इसका एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसके नीचे जाने में और चरखे पे बैठ के घूमने में बहुत मज़ा आता है मुझे। ये चरखे का प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त होता है, आप उस चरखे पे बैठ के ना, अगर पानी को बर्दाश्त कर सकते हो ऊपर से आने वाला जो पानी चरखे पे बैठ के, तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे अगर वैसे कोई चरखा बना के एक टर्बाइन की मोटर लगाई जाए तो बिजली बनाई जा सकती, जैसे जेनसेट जनरेटर काम करता है ना, लेकिन टरबाइन मोटर लगानी है, थोड़ा सिस्टम बनाना है, और थोड़ा जैसे गियरबॉक्स होता है वैसे कोई सिस्टम बनाया जाए और ऐसे पानी का फ्लो दिया जाए उसको, तो पूरा एक मतलब जनरेटर की पावर बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए मोटर चाहिए और थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा। खैर छोड़ो सब इन सब चीज़ों को, अभी ये तैयार नहीं हुआ, जब तैयार होगा तो तभी इस पर वीडियो बनाएंगे। अभी चलते हैं मक्खिया खाने। ये यहाँ की मस्जिद है और ये अंकल जी का घर है, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर यहाँ पे ड्रोन होता तो
खूबसूरती दिखा पा रहे, लेकिन यहाँ से क्या ही खूबसूरती दिखाएंगे। और यहाँ से पानी आता है हमारे विराट के लिए। अभी फिलहाल ने बंद किया हुआ है। अंदर अंदर की गौड़ा नो बे हो कच्चे करोड़ लाएंगे, कच्चे पड़े हैं इनके पास। आदित बोनो इसी में रखे हैं कच्चे करोड़। हाँ कच्चे करोड़ में पक पक चोर पोंस पकने से पक। कंटड़ा चलिए पक चलिए पक चलिए। ये देखो उड़े देखो टंटा, होगी ना हमारी मक्की और अखरोट तैयार। ये कहाँ से लाया? थैंक यू। चलो मजा। मजा अभी नदी में बहुत मजा आता है। हमें तो पीछे कुआं बनाएंगे, अगली बार उसमें नहाएंगे। लेकिन अभी देर हो रही है, मैं वापस जाना है ना। शुक्रिया, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।